हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। सो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को। कह सकते हैं ये एक नया यूनिट है आपका, पेपर टू एजुकेशन का। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन की, क्लियर है? ये आपका यूनिट थ्री जो है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? उसके ए सेक्शन का ये एक छोटा सा टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर प्रिंसिपल्स। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या हो सकती हैं, स्टेजेस क्या हो सकती हैं ब्रेन पियाजे की, सारी थ्योरीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो आज यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? आगे चलते हैं, बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है? सबसे पहली चीज ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर जनरली हम देखें तो ये जो टर्म है दोनों वो हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है? सेम मीनिंग निकालते हैं इसकी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। लेकिन ये कैसे कंसेप्चुअली डिफरेंट है, ठीक है? जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या होता है, ये आपका ये डेवलपमेंट है, ठीक है? ये है डेवलपमेंट आपका, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है? ग्रोथ क्या है, पार्ट है, ग्रोथ एक हिस्सा है डेवलपमेंट का आपका, ठीक है? डेवलपमेंट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में माना जाता है, क्लियर है बात? नाइदर ग्रोथ नॉट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑल बाय इटसेल्फ। ना ग्रोथ हो या डेवलपमेंट, दोनों खुद से ही नहीं होते हैं, ठीक है? ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब जो ग्रोथ होती है उसे क्वांटिटेटिवली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? क्वांटिटेटिवली, जिसे हम मेजरेबल मेजर कर सकते हैं। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसे क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रोथ की, ठीक है? ग्रोथ क्या है कि क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है? मतलब इसमें जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक हमारी हाइट में चेंज आना, वेट में चेंज आना, साइज हो गया, इंटरनल ऑर्गेन्स, ठीक है? ये सारे सब किस में आते हैं, आपके ग्रोथ में आते हैं। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं बॉडी की वो ऑर्गेन्स, वो चेंजेस जिसे हम मेजर कर पाए, ठीक है? हमें दिखता है एक बच्चा है, ठीक है, पहले इतना बड़ा है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा, ये हम चेंजेस मेजर कर पाएंगे, ठीक है? ये जो चेंजेस होते हैं हम क्या करेंगे, मेजर कर पाएंगे उसकी हाइट को, ठीक है, उसकी वेट को। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका वेट बढ़ता है, ठीक है, साइज बढ़ता है, ऑर्गेन्स डेवलप होते हैं उसके, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक? तो ग्रोथ क्या होता है, वो सारी चेंजेस जिसे हम मेजर कर पाए, ठीक है? बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, और समय के साथ साथ जब वो बड़ा होता है तो वो फीचर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। जो ओल्ड फीचर्स होते हैं वो डिसअपियर होके नए फीचर्स उसके अंदर आने लगते हैं, ठीक है? तो ये सारे सब क्या होते हैं, आपके ग्रोथ के कंसेप्ट में आते हैं। अगर इन्फेंसी और चाइल्डहुड की हम बात करें तो बॉडी स्टेडली बिकम्स लार्जर लार्जर टॉलर एंड हेवियर। जब हमारी शैशवावस्था या चाइल्डहुड पीरियड होता है उस टाइम पे जो बच्चे का बॉडी होता है, ठीक है, वहां पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से होती है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं जो ग्रोथ में क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, चेंजेस इन द बॉडी प्रोपोर्शन एज वेल एज इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड वेट, ठीक है? तो वो क्या है, हमारा ग्रोथ है। द टर्म ग्रोथ डज इंडिकेट एन इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशन, बट द रेट ऑफ ग्रोथ डिफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ठीक है? तो ग्रोथ ओवरऑल क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है, जहां पे फिजिकल चेंजेस आपके पूरे देखे जा सकते हैं, ओवरऑल बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द ग्रोथ। ग्रोथ इज द कंसेप्ट, ग्रोथ जो होता है आपका ना, वो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है? और एक चीज, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज, मतलब बॉडी जो बॉडी की डायमेंशंस के, मतलब इंक्रीज इंडिकेट करती है, एंड इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशंस। लेकिन जो रेट होता है ग्रोथ का, वो बॉडी के एक पार्ट में बहुत तेजी से हो सकता है, दूसरे पार्ट में थोड़ा धीमा हो सकता है, मतलब डिफर करता है, ठीक है? ग्रोथ डिफर करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। एक बॉडी के एक पार्ट में जो ग्रोथ है बहुत तेजी रैपिडली हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन उसी जगह दूसरे पार्ट में देखे तो कभी कभी कम भी होती है। किसी की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, किसी की ग्रोथ बहुत धीमे होती है, ठीक? तो ये चीजें हैं।
आगे बात करते हैं डेवलपमेंट, जैसे इसका उल्टा होता है। ये क्वालिटेटिव चेंजेस यहाँ पे भी आते हैं और क्वांटिटेटिव भी आता है, तो ध्यान रखना है ये डिफरेंस है एक, कि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, क्वाली होता है। क्वालिटेटिव चेंज प्लस क्वांटिटेटिव चेंज पूरा, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंज जो होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज वो पूरा इसमें आता है, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता है। अभी मैंने बात की ना कि ग्रोथ डिफर करता है, एक जगह पे बहुत तेजी से होगा, फिर उसी जगह दूसरी जगह पे हो सकता थोड़ा सा धीमे हो रहा हो, ठीक है। तो एक सिक्वेंस में नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। द टर्म प्रोग्रेसिव सिग्निफाइज दैट चेंजेस आर डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कैसे होते हैं, एक सेफेलोकॉडल होता है, एक प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, ठीक। दैट दे लेड फॉरवर्ड रदर देन बैकवर्ड, ठीक है। ऑर्डरली एंड कोहरेंट सजेस्ट दैट देर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस टेकिंग प्लेस एंड दोज दैट प्रोसीड और विल फॉलो देम। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिन। देखो, अगर हमें डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझना है, ग्रोथ जो होती है, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जो ग्रोथ है वो आपकी जब तक आप मेच्योरिटी मैच्योरिटी अचीव नहीं कर लेते तब तक होता है, उसके बाद एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है, ठीक है। वो वूम टू टूम चलता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल बॉडी के सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है, ठीक है। बॉडी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पे देखे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पे देखे जाते हैं। तो डेवलपमेंट एक तरीके से क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, और ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन जब ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ग्रोथ क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्शनल है, ठीक। ये बात समझ में आई। दस डेवलपमेंट में भी एक्सप्लेन एज अ सीरीज ऑफ ओवरऑल चेंजेस। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की ओवरऑल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस सबके बारे में यहाँ बात करते हैं, पूरा आउटकम देखते हैं, ठीक है। इन आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ठीक। तो ये बात समझ में आई कि ग्रोथ क्या है, हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, और डेवलपमेंट दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्शनल है यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट सिक्वेंशियल, एक सिक्वेंस में चलता है, लेकिन ग्रोथ जो होता है वो सिक्वेंस में नहीं होता है, क्लियर है। ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वूम टू टूम जाता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट, सॉरी, डेवलपमेंट जो है वो वूम टू टूम जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आप डेथ नहीं होती तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है, लगातार ये चलता ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ जो है एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है। जो ग्रोथ होती है वो कुछ एक पॉइंट होता है, मेच्योरिटी जब आ जाती है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आने लगती है वैसे वैसे ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मीनिंग क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं, जो ग्रोथ टर्म है रिप्रेजेंट करता है प्योरली फिजिकल सेंस ऑफ अ पर्सन, मतलब जो भी फिजिकल चीजें हैं, अगर हम फिजिकल किसी पर्सन की फिजिकल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक उसकी हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज, लेंथ, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इट स्टार्ट विद कंसेप्शन बट एंड्स एट सम पर्टिकुलर एज, मतलब किसी पर्टिकुलर एज पे जाके ये खत्म हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ओवरऑल चलती ही रहेगी, नहीं, जब तक का लाइफ खत्म नहीं होगी, ये एक पर्टिकुलर एज पे जाके 18 से 20 साल तक ये खत्म हो जाती है आपकी। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल चेंजेस होता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम चेंज की बात करते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ है वो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ जो है वो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन शेप, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द फंक्शंस ऑफ आर ऑर्गन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोसेस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वूम एंड एंडिंग विद द टूम, ठीक है, जन्म से मरण तक ये चलता रहता है, क्लियर है बात। आई होप ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे सा समझ सकते हो, ग्रोथ क्या है, एक आपका क्वांटिटेटिव, मतलब वो चीजें बॉडी की, वो फंक्शंस बॉडी की, वो
ऑर्गेन्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बॉडी की वो चीजें जिसे हम देख के मेजर कर पाए, हाइट है, वेट है, जिन चीजों को हम मेजर कर लेते हैं, क्वांटी क्वांटी मतलब नंबर्स, जिनको हम नंबर्स में मेजर कर पाए, ठीक, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, ग्रोथ में आ जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम अगर बात करें डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका दोनों चीजें आ जाती है। तो क्वेश्चंस को आप यहीं से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जब हम दोनों चीजों के बारे में बात करें, ठीक है, उसके शेप और स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, ठीक है, उसके अलावा उसके हाइट और वेट सबके बारे में, ओवरऑल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल की, तो वो आपका डेवलपमेंट में आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रोथ होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग वो चलती ही रहती है जब तक का इंसान खत्म नहीं होता, ठीक। तो ये वूम टू टूम जाता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर एज पे आके खत्म हो जाती है ना बात। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट के फोर बेसिक एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला ग्रोथ, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन, है ना। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन आर टर्म्स विच आर कॉमनली यूज टू कन्वे द सेम मीनिंग, बट देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंट बिटवीन ऑल दीज वर्ड। हम ये जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मैच्योरेशन को एक साथ लेते तो हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। अब बात करते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस से क्वेश्चंस आपके थोड़े इजी हो जाएंगे और समझ भी पाएंगे आप। ग्रोथ क्या है? क्वालिटेटिव। ये क्या है? क्वांटिटेटिव, अभी बताया, ठीक है। ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोई बच्चा है, ठीक है, अभी 2 साल का है, हम कैसे कहते हैं कि वो 5 साल का हो गया, हम उसे मेजर कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट, ठीक है, क्या किसी बच्चे का कितना माइंड डेवलप हुआ, क्या हम ये बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे, है ना। कितनी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है, क्या उसका हम मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो किस में आता है? आपका डेवलपमेंट में आता है, ठीक। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन, एक मैच्योरेशन के बाद ये खत्म हो जाता है, पूरी लाइफ नहीं होता है। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है, ठीक है। और जो ये डेवलपमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है और उसकी कई सारी साइडेड है, ठीक है। इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, कब किस हाथ हो गया आपका, लेग हो गया, हेड हो गया, है ना। यहाँ पे क्या होता है? चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। इट इज नॉट डायरेक्शनल, यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं होता है, इट इज प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशियल, ठीक है। ये कैसा है? सिक्वेंशियल है, ठीक है, प्रोग्रेसिव है। इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द पार्ट। अभी इससे पहले भी जब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, वहां पे बताया था जो ग्रोथ होता है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक है। किसी बच्चे में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, उसी जगह दूसरी बच्चे में ग्रोथ बहुत धीमे से होती है, धीमे होती है, या फिर ग्रेजुअली धीरे 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 होती है, किसी में बहुत तेजी से हो जाती है, बहुत जल्दी उसके हाथ पैर बढ़ने लगते हैं, है ना। तो ये जो ग्रोथ हो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट, अब यहाँ पे ग्रोथ, इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या, रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो रेट होता है डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेगा, तभी हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे हर इंडिविजुअल को। चिल्ड्रन डिफर करते हैं इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे कैसे डिफर करते हैं? लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग इसे अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लर्निंग और डेवलपमेंट लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से अफेक्ट करता है आपका, ठीक है। ग्रोथ मे और नॉट लेड टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटिव, डेवलपमेंट इन वन एस्पेक्ट प्रमोट द डेवलपमेंट अदर एस्पेक्ट। मतलब क्या है? जो डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेटिव होता है, मतलब इंटीग्रेटेड होता है। एक बॉडी के एक पार्ट से हम दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर पाते हैं, इंटीग्रेट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा हाथ भी चल रहा होता है, ठीक है, हम हाथ से ब्रेक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उसके अलावा पैडल भी चला रहे होते हैं, तो हमारी हाथों की मसल्स भी वहां इन्वॉल्व है, पैरों की मसल इन्वॉल्व है, हमारा दिमाग इन्वॉल्व है, तो वहां पे इंटीग्रेशन होता है, तो डेवलपमेंट में, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल्स में भी आगे आएगा, ठीक। आगे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट होता है कुछ स्टेजेस में होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चीज हो जाती है, नहीं, ये कुछ स्टेजेस में होता है। इसके बारे में डिटेल में भी हम डिस्कशन करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे, अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे डाल दिया है समझने के लिए कि एनी डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड थ्रू सम स्टेजेस एंड ईच डेवलपमेंट स्टेज डिफर फ्रॉम अदर, ठीक है। डेवलपमेंट होता है जो स्टेजेस में होता है, हर स्टेज की अपनी खुद की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना।
साइकोलॉजिस्ट फॉर द शेप ऑफ कन्वीनियंस हैव सेपरेटेड ह्यूमन लाइफ स्पैन इनटू दिस इनटू स्टेजेस और पीरियड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक चेंजेस. ठीक है, मतलब क्या है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट इज अ ग्रेजुअल रदर देन सडन. देखो, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्टेज में होता है. ठीक है, एक पहली स्टेज जो होती है उसकी इन्फेंसी स्टेज होती है. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जन्म से 2 साल, बर्थ टू 2 ईयर्स. फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, एडोलेसेंस आपके 12 to 18 ईयर्स, यंग एडल्टहुड 18 से 40, मेच्योर एडल्टहुड 40 से 65, एज एडल्टहुड ओवर 65. तो ये इसको आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उनके एज ग्रुप को यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, और किस स्टेज में कौन सी एजुकेशन दी जाती है. जैसे आपका अर्ली चाइल्डहुड है, तो अर्ली चाइल्डहुड में आपको प्री प्राइमरी स्कूलिंग, ये आपका क्वेश्चन आता भी है इसमें, प्रीवियस ईयर के में एक क्वेश्चन है कि अर्ली चाइल्डहुड है तो वहां पे कौन सी स्कूलिंग स्टेज में आएगा, तो आपका प्री प्राइमरी में आएगा. लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किस में आता है, प्राइमरी में आता है. और अगर हम एडोलेसेंस की बात करते हैं तो ये आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में आता है. क्लियर है बात. आगे चलते हैं वही स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, कि हर स्टेज जो होती है आपकी उसकी यूनिक 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हर मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं. ठीक है, मतलब हर स्टेज में एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल के, जो हमारा टॉपिक था कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है. अभी बताया वूम टू टूम चलता है. ठीक है, नेवर सीजेस. ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये कैसा प्रोसेस है, वूम टू टूम चलता है आपका. ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. क्लियर है बात. ये पहला प्रिंसिपल हो गया. फिर बात करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म. अभी आपने जब डिफरेंस देखा था वहां पे ये लिखा भी हुआ था लाइन की रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म नहीं होता. क्यों? Although development follows continue, जबकि जो development है वो continuity को follow करता है, लेकिन जो उसका rate होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे rate की, जहाँ पे rate लिखा हो तो वहाँ पे वो uniform नहीं होता है. ठीक है, development is not steady and uniform at all. It proceeds rapidly in the early years of life, but shows down in the later year of child. मतलब जब बच्चा early years में होता है, ठीक है, तब ये बहुत तेजी से, जो उसका डेवलपमेंट होता है बहुत तेजी से होता है, लेकिन धीरे 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 चाइल्डहुड में, फिर चाइल्डहुड के दौरान फिर धीरा हो जाता है. उसके बाद जब पवर्टी आता है तो उसके बाद फिर से सडन चेंजेस आता है. ठीक है, सडन राइज होता है इन द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इट इज नॉट मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग. देयरफॉर एट नो स्टेज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शोज स्टेडीनेस. मतलब ओवरऑल जो कह सकते हैं, जो रेट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है. ठीक है, जब बच्चा अर्ली ईयर्स में होता है, अर्ली स्टेज में होता है, तो वहां पे जो उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, डेवलप जो होती है बहुत तेजी से होती है, लेकिन जब फिर उसके बाद रुक जाती है. ठीक है, उसके बाद चाइल्डहुड में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद फिर पॉबर्टी आने पे, एक टाइम पॉबर्टी आ जाता है, तब उसके उसके बाद सडन राइज होता है. ठीक है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, ये फिर से जाके सडन राइज होता है, उसके बाद रुक जाता है फिर. ठीक, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न की बात करें, डज नॉट प्रोसीड एट अ यूनिफॉर्म रेट एंड शो मार्क्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, येट इट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ पैटर्न समवॉट यूनिफॉर्म इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ स्पीशीज. देखो क्या मतलब है, द मोटर डेवलपमेंट द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑल चिल्ड्रन सीम्स टू फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस. मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहने का मतलब क्या है, ये एक सिक्वेंस में होता है, इसका एक पैटर्न होता है. ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिक्वेंशियल है, पैटर्न में होता है. बच्चा पहले बैठना सीखेगा, डायरेक्टली खड़े होना नहीं सीख जाएगा. बच्चा पहले जैसे बच्चा पहले क्या करेगा, मतलब पहले पूरी बॉडी से, जैसे इसकी पूरी बॉडी के हर मतलब हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, सब कुछ चलाएगा. ठीक है, तो
सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, इसमें ये होगा यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है कि एक पैटर्न में होता है डेवलपमेंट, यहाँ पे ये इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो उसका रेट तो सेम नहीं होता है, ठीक है, ये रेट यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस में फॉलो करता है। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले बच्चा चलना ही सीख जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे द मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑल चिल्ड्रन सीम्स टू फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो मोटर डेवलपमेंट है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है, हर बच्चे में एक सीक्वेंस में ही होगा, वो सीक्वेंस में ही फॉलो होगा, चाहे ये वो यहाँ इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। तो एक ये पैटर्न को फॉलो करेगा कि एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा, ऐसे ही ये फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले ही तीसरे स्टेप पे पहुंच जाए, ठीक। तो ये एक पैटर्न में चलता है ना, सिक्वेंस में चलता है, ठीक। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू प्रोसीड स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है, इन ऑल फेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी हिज रिस्पॉन्स आर ऑफ अ जनरल शॉर्ट बिफोर दे बिकम ऑफ सो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एज रीचिंग सिमिलरली। देखो इसको अगर समझना है, जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देने वाली थी कि जैसे बच्चा है पहले जब रोना स्टार्ट करता है तो रोने के टाइम पे वो क्या करता है, अपने हाथ पैर सब कुछ हिलाना चालू करता है। जब रोता है तो उसका क्या होता है, हाथ पैर मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स उसके हिल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या करता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, फिर एक टाइम पे वो सिर्फ उसके हाथ पैर हिलना बंद हो जाते हैं, खाली उसकी आवाज आती है, ठीक है। मतलब क्या है, व्हेन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट क्राइज द होल ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, ठीक है। जब इन्फेंट होता है तो उसकी पूरी बॉडी वहां पे इन्वॉल्व होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जब ग्रोथ हो जाती है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो क्राइम जो उसका रोना है सिर्फ उसकी वोकल कॉर्ड में ही लिमिटेड रह जाता है। तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक है, ठीक है। द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड लर्न जनरल वर्ड बिफोर स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक एक वर्ड सीखता है, वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, उसके बाद उस पूरे को सेंटेंस बनाता है, ठीक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक जाने की यहाँ पे जाते हैं, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। एक बच्चा है तो वो सबसे पहले जब रोएगा तो अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी तो उस टाइम पे उसका जो क्राइम होगा वो लिमिटेड हो जाएगा, सिर्फ जब वो बड़ा हो जाएगा तो उस टाइम पे सिर्फ रोने का टाइम उसके सिर्फ आंखें से आंसू आएंगे या फिर उसको उसकी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसके हाथ पैर हिलना चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अभी हमने बात की, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में क्या बात की कि इसमें क्या होता है, अगर कह सकते हैं इसमें जो आपके इंटीग्रेशन में क्या होता है, द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और फ्रॉम होल टू पार्ट या पार्ट टू होल, ठीक है। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होल टू पार्ट ये भी लिख के क्वेश्चन आता है, या फिर पार्ट टू होल ऐसे बोलते हैं इसको, है ना। अब आ जाता है, हाँ, स्पेसिफिक और फ्रॉम होल टू पार्ट, इट ऑल्सो सीन दैट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ पार्ट मूवमेंट आर कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ होल बॉडी एंड इट्स पार्ट एज वेल एज ऑफ द स्पेसिफिक एंड जनरल रिस्पॉन्सेज दैट मेक्स चाइल्ड डेवलप सेटिस्फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जितनी भी उसकी जैसे एक साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जब साइकिल हम चला रहे होते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, इस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है, स्लाइड से पढ़ा भी रही हूँ आपको, ठीक, लिख भी रही हूँ, ठीक है। लिखने के टाइम पे मेरे हाथ भी इन्वॉल्व है, बोलने में मेरा मुंह भी इन्वॉल्व है, मेरा दिमाग भी इन्वॉल्व है। तो मैंने क्या किया है, अपनी मतलब कई सारे फंक्शंस को मैं एक साथ कर पा रही हूँ, ठीक है। मतलब सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, स्लाइड्स को पढ़ भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब हम जैसे साइकिल चला रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारी मोटर स्किल भी इन्वॉल्व होती है, हमारा दिमाग कॉग्निटिव है, हमारा दिमाग भी इन्वॉल्व होता है, ठीक। हम पैडल मार रहे हो तो हमारा लेग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब सारी चीजों का इंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है बात, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इंटर रिलेशन, अगर इंटर रिलेशन की हम बात करें यहाँ पे तो क्या होता है कि जो डेवलपमेंट के चार डोमेन होते हैं, चार डोमेन में अगर हम बात करें तो आता है आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, है ना, सोशल,
और इमोशनल, है ना, ये डेवलपमेंट के चार डोमेन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है। अगर बच्चा फिजिकल, मतलब फिजिकल हो गया आपका, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, मतलब ये दोनों, ये सब क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ये जो चारों डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, फिजिकली फिजिकल डोमेन हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, ये चारों इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर एक डायमेंशन में, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को इफेक्ट करता है, अगर बच्चा इमोशनली वीक है, इमोशनली कुछ उसको दिक्कत हो रही है, तो उसका इफेक्ट उसके सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल पे भी आएगा। अगर वो फिजिकली कुछ वीक कर रहा है, इससे भी उसके कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल जो डोमेन है वो इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हम कह सकते हैं, जो बच्चे की डेवलपमेंट के जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं चाइल्ड के, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जितने भी एस्पेक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड के डेवलपमेंट के, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल कहने का मतलब क्या है, हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू प्रिडिक्ट द रेंज इन विद हिज डेवलपमेंट इज गोइंग टू फॉल। मतलब हम क्या करता है, बच्चे की रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब जो उसका ग्रोथ है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट है, देख के प्रिडिक्ट कर पाते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरे ऑफ द रिस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो एक्सरे होती है, एक्सरे ऑफ द रिस्ट ऑफ द चाइल्ड, वो हमें बता सकता है कि अप्रोक्सीमेट बच्चे की हाइट क्या होगी। तो कह क्या सकते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। क्लियर है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट। ठीक है, चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है, द फोर्सेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा इफेक्ट करते हैं उसकी सारी डायमेंशन को, हर एस्पेक्ट को। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अगर हम देखें, तो है जो प्रोडक्ट होता है, क्वेश्चन आता है इसमें कि मतलब प्रोडक्ट करके आता है, ठीक है, ऐसे करके आता है क्वेश्चन, एच इज इक्वल्स टू ई, ये आपको टेट और सीडेट के जो क्वेश्चन वो होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी देखने को मिल जाएगा, एच क्रॉस ई आ जाता है ना, एच ई आ जाता है, तो उसमें से कौन सा सही होता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये जो इसका प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, वो इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, उसकी किसी, मतलब उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल ग्रोथ में उसको इफेक्ट करता है ना बात। अब बात करते हैं, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक सीधा नहीं है, ऐसे ही ऐसे चलता चला जाएगा, नहीं, वो स्पाइरल है, ऐसा है, फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा है, द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेटली ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद अ कांस्टेंट और स्टेडी पेस। नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट, वो एक सीधी रेखा में नहीं जाएगा, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है एक सीधी रेखा में नहीं होता है। एक्चुअली ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बट टेक रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से जब वो चलना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है, वहां पे जब एक पर्टिकुलर एज पे उसकी जब एडवांसमेंट आ जाती है, तो वो फिर क्या करता है, अपने आप को कंसोलिडेट करता है इन एडवांसिंग फर्दर, देयरफॉर ही टर्न बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन लाइक स्पाइरल। मतलब यहां से वो चला, स्पाइरल ही गया, फिर यहाँ पे एडवांसमेंट आया, फिर लेकिन ये फिर से वो पीछे जाएगा अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक, तो ऐसे होता है, इंडिविजुअल स्टार्ट करता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पाइरल एक प्रोसेस में होता है, नॉट लीनियर प्रोसेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अनइवन टेम्पो ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, इज अ कंटिन्यूअस, येट रेट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, एट अर्लियर स्टेजेस इट इज क्विक एंड स्लो डाउन, इन लेटर ईयर ऑफ इन्फेंसी एट द एज ऑफ पबर्टी देयर इज अ सडन राइज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही बात है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है कंटिन्यूअस तो होती है, लेकिन ये जिसका जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। अर्लियर एजेस में ये बहुत क्विकली यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, जब पबर्टी की स्टेज आती है तो फिर से डेवलपमेंट सडन राइज करता है यहाँ पे। क्लियर है? इसके अलावा
प्रिंसिपल ऑफ यूनिट डेवलपमेंट, अगर यूनिट डेवलपमेंट की बात करें, ऑल चिल्ड्रन विल फर्स्ट सेट अप क्रॉल एंड स्टैंड बिफोर दे वॉक, वही चीज है, ठीक है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद फिर वो चलना सीखे, खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद वो चलना सीखेगा। हर इंडिविजुअल क्या करेगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ एंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ध्यान रखना, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन और लर्निंग भी यहाँ पे आता है। मैच्योरेशन का मतलब क्या है, चेंजेस इन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द अनफोल्डिंग एंड राइपनिंग ऑफ एबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स एंड पोटेंशियल्स प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। लर्निंग कहाँ पे आता है, चेंजेस इन द बिहेवियर, जब चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, क्यों कैसे चेंजेस आएंगे उसकी जब हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो मैच्योरेशन और लर्निंग इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन में क्या है, मैच्योरेशन और लर्निंग आपस में इंटरैक्ट करते हैं। मैच्योरेशन में क्या होता है, जब हमारे ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, क्यों, हमारी करेक्टरिस्टिक चेंज होती है, ट्रेट्स में चेंज आते हैं, पोटेंशियल में चेंजेस आते हैं जो बर्थ के टाइम में होते हैं, उसके बाद मतलब चेंजेस आते हैं वहां पे। और लर्निंग क्या है हमारी, जब चेंज इन बिहेवियर होता है ड्यू टू द ट्रेनिंग, मतलब हम जब उसको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं एक्सपीरियंसेस से जो भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, मैच्योरेशन में, ये इसमें किस में आता है आपका, लर्निंग में आता है। तो प्रिंसिपल क्या है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इंटरैक्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, दस ईच चाइल्ड इज चेंजिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म, क्लियर है बात। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे आपके, ठीक है, प्रिंसिपल्स थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इसके अलावा एक प्रिंसिपल आप ये भी समझ सकते हो, आपका आता है सेफेलोकॉडल, डायरेक्शन की जब बात की गई थी ना, तो यहाँ पे एक होता है सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो ये सेफेलोकॉडल, ये समझ लो, कहीं देखने को मिल जाए, वैसे देखने को नहीं मिलेगा, ये आपके सीटेट और टेट के एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट की डायरेक्शंस की होती हैं ये, ठीक है। डायरेक्शन में अगर बात करें तो एक होता है हमारा सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेफेलोकॉडल सीक्वेंस, है ना। और एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, समझ लो, ठीक है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेफेलोकॉडल की अगर हम बात करें, अगर हम सेफेलोकॉडल पे आते हैं तो उसका मतलब क्या है, हेड टू टो, हेड टू टो। और प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करें, सेंटर टू एक्सटर्नल, ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर टू एक्सटर्नल। अब इसको समझ लो वैसे फिगर से, हेड टू टो का मतलब क्या है, जो सर से पैर तक, ऐसे, ठीक है, सर से पैर तक। और सेंटर का मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या है, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, ये प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। हेड टू टो बात करेंगे तो सेफेलोकॉडल, प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करेंगे तो जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, बच्चे का सबसे पहले सर डेवलप करता है, ठीक है। तो सर से डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर टो पे आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, है ना, मुझे याद आ गया, लॉन्गिट्यूडनल, ट्यूडनल भी बोलते हैं इसको, है ना, लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सेफेलोकॉडल को। तो ये हेड टू टो इसका डेवलपमेंट होता है, इसका सीक्वेंस कैसा होता है, हेड टू टो होता है। और जो प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ होता है ये, तो ये प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, ठीक है बात। तो आज हमने यहाँ पे क्या क्या बात कर ली, आपकी कंसेप्ट देख लिया, ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या होता है ना, उसकी मीनिंग देख ली, ठीक, क्या डिफरेंसेस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा स्टेजेस के बारे में हमने सिर्फ रफली भी देखा है कि कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, इसकी डिटेल में डिस्कशन जब हम जीन प्याजे की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम वन बाय वन अच्छे से समझ लेंगे, है ना। उसके अलावा प्रिंसिपल जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है, मतलब लर्न नहीं करना है उसको, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। एक बार समझ जाओगे तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये एक यूनिट थर्ड के ए सेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक था, स्टार्टिंग का ही था, तो ये यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है, कई सारी थ्योरीज के बारे में भी पूछा गया है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे हम कवर करेंगे। एंड
अगर कोई क्वेरी है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जाके टेक्स्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस सैटरडे को, जैसे कि हमारी यूनिट जो 4 है टीचर एजुकेशन, वो कंप्लीट हो चुकी है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, तो कोशिश ये रहेगी इस वाले सैटरडे को, जो अपकमिंग सैटरडे डे है, उस वहां पे हम टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं, ठीक है, एक वीडियो में कवर करने की, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने मुझे मिल पाते हैं, उतने में एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी इस सैटरडे को, ठीक है। कोई भी क्वेरी है उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्लियर है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आज आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।